कंगना रनौत के पॉपुलर रियलिटी शो लॉकअप में आखिरकार कैदी कितना ज्यादा चार्ज कर रहे हैं इस जेल में कैद रहने के लिए, कौन सा है हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट और आखिरकार सबके चार्जेस क्या हैं, पूरी खबर की जानकारी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस वीडियो में। ध्यान से देखिए वीडियो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, मैं स्निग्धा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। अब आपके लिए मैं लेकर आई हूँ एक पूरी लिस्ट जिसमें आखिरकार लॉकअप में कैद होने वाले जितने भी कॉन्टेस्टेंट्स हैं वो आखिरकार कितना चार्ज कर रहे हैं और आखिरकार क्या है उनके चार्जेस, पूरी खबर की जानकारी विद डिटेल्स लेकर आई हूँ। और हाईएस्ट पेड कॉन्टेस्टेंट कौन है, सबसे पहले नंबर पर है मुनव्वर फारूकी जो कि 3 to 3.5 lakh चार्ज कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर है करणवीर बोहरा जो कि पर एपिसोड 2 lakh रुपीस चार्ज कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर है पूनम पांडे और जो कि चार्ज कर रही हैं पूनम पांडे 3 lakh रुपीस। वहीं फोर्थ नंबर पर है निशा रावल, निशा रावल चार्ज कर रही हैं 1.75 lakh रुपीस टू 2 lakh रुपी। वही आपको बता दूं कि फोर्थ पे है सिद्धार्थ शर्मा, सिद्धार्थ चार्ज कर रहे हैं 2 to 2.5 lakh रुपीस। वहीं आपको बता दूं कि फिफ्थ नंबर पर है शिवम शर्मा जो कि चार्ज कर रहे हैं 2 lakh रुपीस। सिक्स नंबर पर है अंजलि जिनके चार्जेस हैं 3 to 4 lakh रुपीस। खबरों की माने तो अंजलि हाईएस्ट पेड कॉन्टेस्टेंट में से एक है। वहीं बता दूं कि आपको सिक्स नंबर पर बबीता फोगाट है, बबीता फोगाट 3 lakh रुपीस पर एपिसोड चार्ज कर रही हैं। वहीं शायशा शिंदे को मिल रहे हैं 1 lakh रुपीस पर एपिसोड। इसके बाद है तहसीन पूनावाला द पॉपुलर पॉलिटिशियन जिन्हें मिल रहे हैं 1.2 lakh to 1.5 lakh रुपीस। इसके अलावा आपको बता दूं कि है पायल रोहतगी, पायल रोहतगी को मिल रहे हैं 3 lakh पर एपिसोड के हिसाब से। एंड द लास्ट वन इज सारा खान, सारा खान को मिल रहे हैं 2.5 lakh to 3 lakh। तो फाइनली मैंने आपको एक एक करके तमाम कॉन्टेस्टेंट्स के बारे में बताएं कि आखिरकार ये कॉन्टेस्टेंट्स जेल में कैद रहने के लिए कितना चार्ज कर रहे हैं एकता कपूर के इस पॉपुलर शो लॉकअप से। तो फाइनली क्या कहना चाहेंगे आप इनके इस प्राइज मनी को जानने के बाद, इनके चार्जेस को जानने के बाद? आप अपने रिएक्शंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें चैनल के साथ।